हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। यार्ड से 10 करोड़ रुपए की आयरन ले उड़े बदमाश। जबलपुर के गौसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन के पास बने आयरन और यार्ड में हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर मौके से 50 से अधिक हाईवा में आयरन लोड कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र गोयनका ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनका गौसलपुर में स्टेशन के पास आयरन और का यार्ड है। वहीं अब कर्मचारी यार्ड में थे तभी 12 से 15 हथियारबंद बदमाश यार्ड में आए और हथियार की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाते हुए 50 से अधिक हाईवा में आयरन और लोड कर मौके से फरार हो गए। वहीं महेंद्र गोयनका ने बताया कि करीब 10 करोड़ की आयरन और बदमाशों ने चोरी की है, जहां कुछ संदेहियों के नाम भी पीड़ित के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं। वहीं इतनी बड़ी चोरी के मामले में पुलिस प्रशासन भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सर, गोसलपुर यार्ड में शिकायत दर्ज हुई है थाने में कि वहां से बलपूर्वक आयरन जो है बड़ी मात्रा में चोरी हुआ है, क्या है पूरा? यूरो पैलेट्स के लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके जो भंडारण क्षेत्र से कुछ लोगों के द्वारा बलपूर्वक आयरन और उठाकर जबरदस्ती ले जाया गया है और उस आवेदन में उनने कुछ नाम भी लिखे हैं। थाना प्रभारी द्वारा उसकी तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है। पूर्व में ये लोग साथ में भी काम करते रहे हैं, इसलिए इसमें निष्पक्षता के साथ आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की कोई घटना की है तो निश्चित रूप से उसमें FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। कितने का मामला है? आवेदन पत्र में उनने 10 करोड़ के आयरन और की बात कही है।